अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जमची जी, मास्टर जी ने तो पोस्टर लगाना शुरू कर दो। जी भैया, अब तो बचना मुश्किल लग रहा है। जी मलाइका दीदी ने बुरो फंसा दो, क्या करेंगे? अरे पता नहीं क्या करेंगे। सुनो ना, मास्टर जी से एक बार बात करने की कोशिश करें क्या? क्या पता कोई और ऑप्शन मिल जाए। चल। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी। रणवीर चमची, कैसा लग रहा है पोस्टर? एकदम लल्लन टॉप ले। अरे कैसा लग रहा है? मेरा मतलब कि आपने लगवा हुआ है तो अच्छा ही लग रहा है, मैं क्या बोल सकती हूँ। हाँ मास्टर जी, इतना पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा कैसी नहीं जरूरत है, इतने बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, चार लोगों को पता तो चलना चाहिए। तो सब उन चार लोगों को आप अलग तो बता सकती है कि पोस्टर लगा के शो ऑफ मतलब नजर लग जाती है। अरे नहीं बेटा, स्कूल के पब्लिसिटी का सवाल है, है? समझ रहे हो ना? समझ गई। ऐसे मास्टर जी एक सवाल है, तो एक कछु पूछना है तो पूछो। ऐसे मान लीजिए कि भगवान ना करे, पर कछु कारणवश ये पप्पू कुमार हमें पप्पू बना के, मेरा मतलब है कि स्कूल में ना आए तो क्या होगा? नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्कूल की बदनामी होगी, हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन हम जाते जाते ना तुम लोगों का जाने का जुगाड़ करके जाएंगे, समझ रहे हो ना? हम क्या करें? ऐसे मत करो, हमारा धड़कन बढ़ जाता है। जी सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? पप्पू कुमार जी नहीं आ रहे क्या? नहीं नहीं सर। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है ना, हम बस ऐसे पूछ रहे थे, ये पप्पू कुमार बहुत बिजी आदमी है ना, तो एंड मोमेंट पे प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। पर ये प्रोग्राम में बिल्कुल आएंगे वो, जहाँ में कच्ची प्रॉब्लम ना है। हाँ? मैंने मलाइका दीदी से बात कर रखी है, वो पप्पू कुमार जा प्रोग्राम में जरूर आके रहेंगे। गुड, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ ऐसा करते हैं, हम नीचे मेन गेट पे जा रहे हैं, बहुत बड़ा बैनर बनवाए 20x20 का, पप्पू कुमार सुपरस्टार, भैया लाड़ी भौजी खिलाड़ी, मजा आ जाएगा। काट काट। अरे बा क्लास में जा। चमची, लगता है मास्टर जी को सच बताना ही पड़ेगा, और कब तक छुपाएंगे? लेकिन आदत नहीं है ना, इसलिए सच गले में अटका हुआ है। चल चल। कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक? कोई दिक्कत तो नहीं? सर आपको कुछ बताना हो तो। हाँ बताओ। सर वो दरअसल पप्पू कुमार स्कूल के फंक्शन में ना आ पाएगा। हाँ मास्टर जी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया सब कुछ। देखो गिलहरी चमची, हमको ना इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, कहे कि हम दिल का मरीज है ना बेटा। सर मजाक तो हमारे संग होगा हुए, वो जो पप्पू कुमार है ना, वो पहले हाँ बोलते हुए फिर ना बोलते हुए फिर हाँ बोलते हुए फिर ना बोलते हुए, हम कुछ नहीं जानते। तुमने पप्पू कुमार जी को एज ए चीफ गेस्ट लाने की जिम्मेदारी ली थी, अब तुम समझो,
पूरे शहर में पोस्टर लगे ट्रस्टी अरे हमारी तो नौकरी चली जाएगी। सर देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हमने बहुत कुछ ट्राई करो पर अब तो कोई चांस ना है। सॉरी सॉरी के बच्चे हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था, तुम लोग पुराने विश्वास खाती हो। लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को, हम तो नौकरी से जाएंगे, नौकरी से जाने से पहले तुम लोगों को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तुम लोग को दूसरा स्कूल ढूंढ लो, इस स्कूल से गए तुम लोग, समझ रहे? तुम लोग इस स्कूल में नहीं पढ़ते। क्या हाल चाल है मास्टर जी? ठीक है। दिन दाड़े डरा रहे हो आप तो बच्चों को है? अरे नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है। नहीं बात तो ऐसी ही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप टीचर हो क्या? पहले तो पहली बात तो आप बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी को स्कूल में बुलाओ, और जब वो बुला ना सकते तो उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही। नहीं नहीं मैडम, आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। इन लोगों ने कहा था कि पप्पू कुमार जी को एज ए चीफ गेस्ट लाएगा, पूरे शहर में बात फैल गई है, लोग मजाक उड़ाएंगे, स्कूल की बदनामी होगी और तो और हमारी नौकरी चली जाएगी। अब आप ही बताइए हम अपनी मास्टरनी जी को क्या मुंह दिखाएंगे? जो आपका मुंह है वही दिखाओ। आपको कोई सेलिब्रिटी बुलाना है ना, है चीफ गेस्ट चाहिए ना कोई, तो एक ऐसे इंसान को क्यों नहीं बुला पा रहे जिसे देख के लोगों का हौसला बढ़े, बच्चों का हौसला बढ़े, जिसे देख के जिसने बहुत मेहनत करी हो, पढ़ाई लिखाई करी हो, ढंग का काम करा हो, नाम कमाया हो, उसके बाद किसी मुकाम पे पहुंचा हो, जिसे देख के सारे बच्चे इंस्पायर होंगे स्कूल के, ऐसा होना चाहिए ना सेलिब्रिटी गेस्ट तो। पर हम तो ऐसे इंसान को जानते ही नहीं। लगता है याददाश्त आपकी काफी कमजोर होगी मास्टर जी। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, इसी स्कूल का इंसान था वो, उसने इसी स्कूल में पढ़ाई करी, एक बच्ची थी एक्चुअली इसी स्कूल में पढ़ती थी, बहुत मेहनत से उसने भी पढ़ाई करी, खेलकूद में भी बढ़िया थी, और हमेशा से उसे पुलिस इंस्पेक्टर ही बनना था। और लोगन को पीटती थी। हमेशा से उसे पुलिस इंस्पेक्टर ही बनना था और आज वो ACP है। आप ही के सामने पली बड़ी है, खेली कूदी है, ठीक है, और बहुत मेहनत के बाद ACP बन भी गई। तो मुझे लगता है ऐसे इंसान को बुलाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए जो इसी स्कूल से पढ़ के गया हो, उसे देख के सारे स्कूल के बच्चे इंस्पायर भी होंगे, और जितना मैं उसको जानती हूँ चमची, मुझे लगता है उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आने में, है ना? क्या बात है दीदी, मतलब हमें आइडिया आया ही नहीं दिमाग में। लेकिन ट्रस्टी साहब। आप ट्रस्टी साहब की टेंशन ना लो, ACP हूँ मैं, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई एतराज होगा। रणवीर बेटा चमची जाओ चुपचाप से सारे पोस्टर निकाल डालो, जाओ निकाल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।